नमस्कार कोरोना परामर्श को स्वागत करछि नीलिमा। बर्तमान कोरोनार द्वितीय लहर जदियो तार शक्ति हरुछि संक्रमण जो क्षमता रही कमी कमी जाउछि किंतु अन्य पर देखिबा डेथ उपरे बा मृत्यु उपरे आरो रोक लागि पात नाही। जेतेबेले संख्या 7000 भी छुंटला सेतेबेले भी 40 रुटला मृत्यु संख्या एवं आज जदि देखिबा तले 3000 पाखापाखि पॉजिटिव चिन्हट होइतबा बेले आज मध्य ए मृत्यु संख्या 40 पाखापाखि रही जोटा कि एक चिंताजनक कथा। अन्य पर देखिबा खोर्धा जिला सर्वाधिक आज भी रही 300 पाखापाखि रही पॉजिटिव संख्या। तेणु कोठना कोठी मृत्यु संख्या बा जो बढ़ुवा मृत्यु कोरोना जनित मृत्यु बर्तमान चिंता बढ़ाई। जदि यही समय आपण मैंने सतर्क नहे तेल कोरोना को मात देवा बेस असंभव हो पड़ो। और सबुठ बड़ कथा हो बर्तमान कि कोविड समय जी समस्या भोगुंट जड़े आक्रांत पोस्ट कोविड अर्थात कोविड परवर्ती समस्या बेसी मात्रा देखा मिली और अनेक लोक मृत्युबरण करता एक सर्भे जनापड़ी। जदि आपण कोरोन आक्रांत और घरे संगरोधे रही कि आपठारे कोरोनार लक्षण अच्छी तेज व्यस्त होतुनि कारण 24 घंटा न्यूज चैनल अर्गस और ओडिया समाज मिलित सहयोग आरंभ होती वरिष्ठ डाक्तर परामर्श और टेलीमेडिसिन सुविधा सका 9टू राति 9टा मध्य आपने 011 412 36 679 नंबर में मिसकल करूँ आपण पाखे पहुँचीज चिकित्सा सेवा। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ी बढ़ी चली भीतर कोरोना आक्रांत माने संगरोधर रही सुस्थ होगा चाहते। उभय कोरोना पॉजिटिव एवं कोरोना लक्षण देखा जाउथुबा व्यक्ति क्षेत्र में यार मुकाबला करिबारे समस्या पलटि डाक्तरी सेवा। कोरोना कटकणा समय घरे घरे डाक्तर पहुंचवा भी संभव होना। एपरी संकट समय 24 घंटिया ओडिया न्यूज चैनल अर्गस एवं ओडिया समाज मिलित सहयोग रे आरंभ होइछि वरिष्ठ डाक्तर को परामर्श एवं टेलीमेडिसिन सुविधा। 011 412 36 679 ए नंबर को लेखि रखु। जदि आपण कोरोना पॉजिटिव किंबा आपण ठारे कोरोना लक्षण रही एवं घरे रही डाक्तर को सेवा चाहती तेबे गोटे मिस कॉल रे ए सेवा पहुँचब आपण पाखरे। सकाळ 9टू राति 9टा मध्य आपण माने एही नंबर रे गोटे मिस कॉल दियंतु। डाक्तर को परामर्श नहीं चिकित्सित होई परिबे औषध संबंधी सूचना मध्यम पाई परिबे। देशर बछा बछा डाक्तर को सहित टेलीफोन रे परामर्श करिबा परे आपण सहजरे एवं सुविधारे चिकित्सा सेवा पाई परिबे। तेणु जदि आपण कोरोना रे आक्रांत किंबा आपण ठारे कोरोना लक्षण अछि तेबे एही नंबर रे मिस कॉल करंतु। नंबर टी आपण को आउ थरे कहि रखुछु 011 412 36 679। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तेज आसतु नजर किसी डाटा उपर कारण एवं अनेक जिला रही रेड जोन भितर कारण 17 जिला बर्तमान ग्रीन जोन को जाता बेले आउ 13 जिला एवं भी रेड जोन रही। तेणु रेड जोन कटकणा एवं भी बलवत्तर रही कारण जब देखा जी मुख्य शासन सचिव किसी दिन आगुरी जैसे प्रेस ब्रिफिंग है अनलॉक 4.0 कथा सामना को आसला से 13 जिला जोड़िक रेड जोन रही से समय सीमा रखा जाए सका 6 रू दिन 1 पर्यंत समस्त अत्यावश्यक सामग्री अन्य सब बर्तमान बंद रही। मंदिर कहूँ मस्जिद कहूँ स्विमिंग पूल कहूँ जिम कहूँ सिनेमा हल कहूँ सब बंद रही। अन्यपटे जो 17 जिले ग्रीन जोन रही से ग्रीन जोन रे जब आम देखा ताले से ग्रीन जोन रे समय रही दुकान बजार खोलबार सका 6 रू संध्या 5टा पर्यंत। आपण सामना देखो ये हूँ सरकारी डैशबोर्ड जो प्रत्ययन कराई कि एक्टिव केस संख्या केत रही पाखापाखि आज जब आम देखा 36,633 एक्टिव केस रही बेले बर्तमान जब देखा पाखापाखि रिकवर कले 8,40,214 जन। किंतु अन्यपटे मृत्यु संख्या जब देखा जहाँकि बर्तमान एक चिंताजनक कथा मृत्यु संख्या किंतु बढ़ुची केतबेले पोस्ट कोविड कथा जब उठू से समय कारण मृत्यु जिते आसूसी पाखापाखि जो मैंने कोविड संक्रमित होती संक्रमित हवापर भर अनेक समस्या देखा मिली खास करी फुस्फुस जनित समस्या कारण सेकेंड वेव जो आसी लंग्स को अटैक कर जहाँफल कि लोक मान मृत्यु होता खबर सामना को आसी। तेज जदि आम आपन को कहूँ कि देखो ये हूँ 30 दिन मानते गोटे मसर ये हूँ डैशबोर्ड में जहाँ दर्शा जाए कि मृत्यु संख्या और सहित रिकवर और सहित पॉजिटिव संख्या ये हूँ एक्टिव केस बर्तमान सुधा 36,633 रही बेले रिकवरी संख्या रही 8,40,000 अर्थात आक्रांत जी होती सुस्थ से हिसाब से बढ़ुचे। तेणु कौटना कौटे गोटे पॉजिटिव कथा और अंपटे जब आम देखा कि जो आप देखते रेड जोन रो संख्या धीरे धीरे कमी आसो 13 जिला रही बाकी 17 जिला बर्तमान ग्रीन जोन अर्थात आम धीरे धीरे स्थिति सुधुरुची। ओडिशा कोविड मुक्त होगापी धीरे धीरे जाऊँगी जदिव संपूर्ण भाव में कोविड जीव ना केवे भी जहाँ विशेषज्ञ मैंने कहते आमको कोविड सहित बंचाक हिं हम। तेणु कोविड नियम आमको मानवाक पड़ो। ये हूँ देखो ये हूँ एज और जेंडर वाइज जब आम देखा ये हूँ तार मानने डाटा जोटी आप देखिपारे कि 36% जदि आम देखा ताहले एबे भी माने कहबा को आम आक्रांत होउछे और जो 64% आम रिकवर करछे बोली जहाँ कहुचे बर्तमान जहाँ सरकारी सूत्रु कहुचे कि द्वितीय वेव जहाँ रही सेकेंड वेव जो रही बर्तमान तार जो आक्रांत करथिला से आक्रांतर जो माने तार जो पावर रही से पावर माने कमी कमी जाउछे किंतु जो डबल म्यूटांट और खास कर जो आसुछि माने डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कथा आसुछि जहाँकि एक चिंता बढ़ुछि तेणु ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कौन किभ भाव में लोक आक्रांत करें केमी मुक्ति पाई आम सहित मत डॉक्टर रही संपर्क आलोचना करने आपण जदि आपण आम सहित आलोचना करने चाहते डाक्तर सहित आलोचना करने चाहते आप जोजोग करेंगे तेज आपको कही रखी आज पॉजिटिव मृत्यु संख्या खोर्धा जिले में 381 पॉजिटिव संख्या रही बेले मृत्यु संख्या रही 7 और कटक जब आम देखा 295 रही पॉजिटिव संख्या किंतु मृत्यु संख्या एपर्तंत जनापड़ना 5 रही बालेश्वर जब आम देखा 290 रही पॉजिटिव संख्या किंतु मृत्यु संख्या कम 0 रही जाजपुर रही 226 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले मृत्यु संख्या 0 पुरी में 180 पॉजिटिव चिन्हट होता मृत्यु संख्या रही 4 तेज मोटामोटी कहूँ देखा खोर्धा जिला आज भी टॉप रे रही 381 पॉजिटिव सहित मृत्यु संख्या होती 7 तेणु मोर ओवर जब आम देखा आज दिन भितर 3000 पखापाखि पॉजिटिव चिन्हट होता बेले पखापाखि 40 ऊर्ध्व लोक मृत्युवरण करथिबा जहाँ सूचना रही तेणु मोटामोटी आम केमी सतर्क रहा कोरोना को केमिति मात दबा कारण जेते आम वैक्सीन नेले भी वैक्सीन जे 100% जे क्यूरेबल ताहमदे डॉक्टर माने कहूना कारण पाखापाखि 70-80% आम एथु मुक्त हो पार अर्थात जो मृत्युर जो भय रही से मृत्युर भय आम पाखे रही किंतु ता सहित हमको सतर्क रहा पड़ो मास्क पिंधा पड़ो सैनिटाइजर यूज करा पड़ो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा पड़ो आमको ये सब कार्य करने को पड़ो ताहले हुई आम कोरोना को मात दे पार किंतु जमती मुझे कहली आपंकर कोरोना जनित जदि किसी समस्या रही किसी क्वेश्चन रही किसी प्रश्न रही आप जानापी चाहते डाउट क्लीयर करने चाहते तेणु आम सर आज डॉक्टर रही स्मरजित पट्टनायक रही क्षमा करेंगे स्मरजित पट्टनायक रही सर आपको स्वागत कर आलोचना को एबे देखिए जदि सेकेंड वेव जदिओ तार पावर तार कमुची किंतु चिंता बढ़ुची डेल्टा प्लस वेरिएंट ए डेल्टा प्लस वेरिएंट कौन किभली भाव में लोक आटाक करुच्ची या द्वारा माने की प्रकार लक्षण देखा जो मिल मृत्यु केते भय रोची कि डेल्टा प्लस वेरिएंट रे जदि जने आक्रांत होची तले मृत्यु केते संभावना रही। नमस्कार डॉक्टर स्मरजित पट्टनायक पहुंची डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट ए दुईटी भारत वर्ष को बाद विदेश रू आसला एवं आसिकी सेटा म्यूटेट करुच्ची भाइरसटा जितेबाला आम जिते चेष्टा करुचु भाइरस को फाइट करिकी ताको दमन करिया पई आज्ञा इक्वली भाइरस कौन करे से म्यूटेशन करिकी तार डिफरेंट स्ट्रेन तैयारी करे सो दैट आमर जो ट्रीटमेंट पद्धति अच्छी जमते आम भाइरसटा को नष्ट करि परछे सेटा को से केमती स्किप करके केमती ट्रिक करके अन्य बाटर जाइकी से इन्फेक्शन टा एस्टैब्लिश करि पारे ह्यूमन बॉडी रे सेटा हैला म्यूटेशन सेटा हमरो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हमरो इवोल्यूशन हिच लाइफ रो डिफरेंट फॉर्म्स तार गोटे फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड सेही प्रिंसिपल अनुसार वायरस भी काम करे एवं जेमते हमें चाहूची कि वायरस टाको मारि देबा को वायरस चाहूची नेचर चाहूची कि वायरस केमिति बंची कि रहू तेणु ए जो वेरिएशन रहिला डेल्टा वेरिएशन वेरिएंट किंबा डेल्टा प्लस वेरिएंट ये आउरी म्यूटेट करिवो एवं ए म्यूटेशन विल कंटिन्यू बिकॉज दैट इज द फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज द फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ तेणु आमको चिंता करिया पड़िबो एवं ईच टाइम प्रथम वेव रे जो वायरस भारत वर्ष रे थिला तारो जतकी अमाउंट ऑफ इन्फेक्टिविटी थिला ता तुलना रे डेल्टा प्लस वेरिएंट रो इन्फेक्टिविटी इज मोर बिकॉज एवं से विभिन्न डिफरेंट मेकानिजम रे इन्फेक्ट करिया चेष्टा करछि जो थे कि फर्स्ट टाइप बाहरी ना माने तेणु दिस इज द नेचर्स वे टू फेवर से वायरस रो सर्वाइवल आपण कोछन कि वायरस तारो बारंबार रूप परिवर्तन कोछि हमें एवं हमें एक्यूरेट कहि परिबानी कि एटा केतेबेले को म्यूटेंट हेकी सामना कोसिबो नाही एटा म्यूटेशन होउछि एवं आउडी म्यूटेट करिवो तेणु करी आरो गोटिए उपाय हला इथरो ए जो वायरस रो बंचिबा को हला कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जोटी के आपण कहिले जेमति हमें मास्क पिंधा हैंड सैनिटाइजेशन एंड फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग सोशल डिस्टेंसिंग एवं चतुर्थ जिनस जोटा एना बहुत इंपोर्टेंट है आमर वैक्सीनेशन नंबर बढ़ाया पड़ो आमर जी लोक एना वैक्सीन नहीं hardly 5% India's population. You know, unless we reach 70 to 80% not reach, हमें कोरोना संगे फाइट करबा को डॉक्टर पटेल वर्तमान जदि हम भारत कथा कि राज्य कथा देखिबा तले ई जो डेल्टा प्लस वेरिएंट प्राय केते रोगी चिन्हट होइछंती एबो जति जण भी चिन्हट होइछंती एटा केते दूर हम पई चिंताजनक डेल्टा प्लस वेरिएंट प्राय आपातत तो सेकंड वेव रे डेल्टा प्लस वेरिएंट ही देखा जाउची एवं ताकू जो हमें एग्जैक्टली स्टडी करबा को हेले हमको जो सो कंटेनमेंट एरियाज रहिची सेठी सर्वेलेंस प्रोसेस हमर बहुत आवरी बढ़ेबा को पड़िबो जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट हमर सेकंड वेव एवं थर्ड वेव भीतर ओके सेकंड वेव होईची थर्ड वेव आसीबार आशंका 6 रु 8 वीक भीतर बहुत तनो ए जो 6 रु 8 वीक टाइम हमको मिलला एथरे हमर लैबोरेटरी पोजीशनिंग लैबोरेटरी रे को जगह रे रहिबो एवं लैबोरेटरीज कुडारो इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ेगा को पड़ो जो थे कि आम सर्वेलेंस करके देखी परिवा कि प्रकृत रे को टाइप रो वेरिएंट है ना हमरो प्रिवेलेंट रोचे इफेक्ट करिया डॉक्टर पटेल सबो बड़ कथा होची वर्तमान जदि आपण देखिबे कि जेमति मु कहतली कि कोविड रे जेतेबे जने आक्रांत होची ताले सेतेबे ट्रीटमेंट चालूची एवं माने जो मानेंकर जदि मल्टीपल डिजीज किछि नाही ताले से माने रिकवरी वेरी फास्ट करछन्ती किंतु आपण जे देखिबे कि सेकंड वेव रे सबोटो वर्तमान देखिया को मिलछि कि पोस्ट कोविड सिचुएशन पोस्ट कोविड रे लोक माने बेसी माने अधिक आक्रांत होई जाउछन्ती एवं डेथ मते सेति पई बोते पडुची ए जो पोस्ट कोविड एते काहे कि कॉम्प्लिकेशन देखिया को मिलछि एक्चुअली वायरस टा जमते मु कह हम बुझु हम बुझौतले एटा ओटा म्यूटेंट वायरस तनो आरो डेफिनेटली इन्फेक्टिविटी अधिक रहउची आज्ञा एवं प्राय आपता तो पोस्ट कोविड स्टेट रे कोन होची वायरस जते ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करूनी हमरो ह्यूमन बॉडी रो जो इम्यून रिस्पांस रहिची एवं से इम्यून रिस्पांस जते बडे हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पांस होची जोटा को के हमें कोचु साइटोकाइन स्टॉर्म होची त माने हम बॉडी रो जो इम्यून सिस्टम अछि से वायरस को नष्ट करिया पे जते बडे गोटे लेवल रो ताटो अधिक एक्साइटेड ही कि जते बडे ताको स्टॉर्म हिसाब रे जाके फाइट करूची से साइटोकाइन्स कोडा वायरस को नष्ट करिवा सहित ता निजो बॉडी रो सेल्स कोडा को भी नष्ट कर देउची जेउति पाए कि पोस्ट कोविड सिम्पटम्स बेसी देखा जाउची पोस्ट कोविड डॉक्टर पटेल हमें पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशन विषय आलोचना करबा किंतु हम साथे जने कॉलर रहिसेंती वर्तमान प्रशांत रहिसेंती तालचेरु रहिसेंती हेलो मैम नमस्कार नमस्कार प्रशांत बाबू कौन जानिया पे चाहउछंती कोविड संपर्क राम सदर डॉक्टर रहछंती स्मरजित पटनायक आज्ञा आज हमें समिति रे जनदा को कोरोना टीका दे के आछू आज्ञा तो टीका नेला पर हमें कोन केमिते सप्ताह जाके कोन खाइबा करू कोन केमिते रहइबु से बावदर बु जानिया पे चाहउछू डॉक्टर पटनायक वैक्सीनेशन पर माने वैक्सीन नेला पर केमिति से माने निजो को सेफ माने केमिति भलसे रखि परबे खाद्य फूड हैबिट थारु ने तांकर दैनदिन रो चर्चा केमिति रहइबो एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपण देखंतु वैक्सीन जो नै के आछंती एवं दुटी डोज नै चंती ए जो दुटी डोज नै चंती आपण लकी आपण भाग्यवान कारण आपण पाई जाई चंती वैक्सीन तार माने नय कि आपण को परमिट मिल जाई छै आपण जा इच्छा से करियो तार माने एतिकी कि हमें कोविड सेंसिटिव कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो गुडी को रहिला से गुडी को हमें सेमति हेले मेंटेन करिबा कारण हमें श्योर नय कि हमक पय धरंतु आउथरे इन्फेक्शन आसीला हमें जिते चेष्टा करवा वायरल लोडटा आम पाखक आसवा कमेवा को सो दैट हमें एसिम्पटोमेटिक रहिबा एवं हमको वायरस आसिले भी वायरल इन्फेक्शन आसिले भी लोड जेहेतु कम रहिबो हमर विशेष सिम्पटम्स रहिबो रहिला आपनकर लाइफस्टाइल आपण लाइफस्टाइल रे से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर छडा बाकी आपनकर खाइबा पीबा एवं रहणी सहणी सब नॉर्मल रहिबो एवं वर्तमान ए स्टेज रे हमें भी जो माने प्रेग्नेंट माने जो माने लैक्टेटिंग मदर्स अछंती से माने को भी हमें एडवाइस करूछु ए थर्ड वेव आसीवा पूर्वरु कि से माने को भी हमें वैक्सीन जेमती देई देई पारु एवं वर्तमान हमर गवर्नमेंट रो मेन इंटेंशन रहउची जो माने सेकंड डोज पाई जाई चंदे किंतु हमर ए महामारी रो मैक्सिमम इफेक्ट कमिया को हेले नेक्स्ट थर्ड वेव रे हमको एटलीस्ट फर्स्ट डोज वैक्सीन मैक्सिमम लोगों को दे देला बेटर दे दबाटा उचित एवं तार 12 रो 16 सप्ताह भितर हमें जेमती से मन को सेकंड डोज भी दे पारू तेणु वैक्सीन नेले आपण नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करंतु किंतु कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सेगुडिको आपण मेंटेन करिके रख अर्थात जेमिति आपण डे टू डे लाइफ आपण मानकर जेमिति चलबा कथा सेमिति चलिबो किंतु आपण को कोविड रो नियम मानिया को पड़िबो। अर्थात कोविड रो नियम होछि मास्क पिंधिबा, सैनिटाइजर यूज करबा, आवश्यक नथले पदा को बाहरिबा नै एवं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करबा। जदी आपण बाहर को जाउछंती एटा होछि कोरोना रो नियम, एटा आपण को मानिया को पड़िबो। तने वैक्सीन नै गेले जे आपण संपूर्ण भाबरे सुरक्षित रहिछंती से कथा को मध्य कह जाय परिबनी। तबे हम साथ रहिछंती डॉक्टर स्मरजीत पटनायक। आमे आलोचना करछे कारण कि समय पूर्व आमे आलोचना करथि कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो देखा मिली आम केमती प्रतिहत करवा किंतु इब्रेक पर स्वागत। आम आलोचना जारी रखीचे कि कोरोना नहीं किभली भाव में सतर्क रे और खास करी जो सेकेंड वेव आसी सेकेंड वेव्रे जो नुआ वेरिएंट देखा मिली डेल्टा प्लस वेरिएंट आपड़ से केमी दूरे रखिए निजको केमी सजग रखिए से संपर्क में आलोचना जारी रही है। आम साथ रही डॉक्टर स्मरजीत पटनायक। आम साथ रही डॉक्टर पटनायक आपको पुणी थे ब्रेक पर स्वागत करुच्ची। डॉक्टर पटनायक आप आलोचना करते कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जेनराली कौन देखा सब मिले लोक मैंने के सतर्क रहा दरकार पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन रे हमर बहुत इंपोर्टेंट जिनस है दुईट जिनस कोविड हला परे हॉस्पिटल रे जते बळे हम अच्छु ट्रीटमेंट कंटिन्यू चालू छी से समय रे भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखा जाउची एवं हॉस्पिटल डिस्चार्ज हे कि घर को आसिला परे भी आमे विशेष कॉम्प्लिकेशन देखिया को पाउ। ठीक अछि डॉक्टर पटना में आलोचना करबा। हम साथे जने कलर रहिचंती मंजुलता रहिचंती जाजपुरु। मंजुलता मैडम आपन को स्वागत करछि। कोन जानिया पई चाहुचंती आपण? आज्ञा नमस्कार। आज्ञा ए भाई जो 1.5 वर्ष पिलां को कोन समान पर खाद्य खाइल समान पर इम्यूनिटी पावर बढ़िबो ई कोरोना समय रे आज्ञा से तृतीय लहर पई हमर भय रहितिना छोट पिला माने को भय रहउछि आज्ञा टीका दे ना खाद्य खाइले इम्यूनिटी पावर बढ़ियो। ठीक अच्छे डॉक्टर पटनायक विषय जानापी चाहिए। डॉक्टर पटनायक 1.5 वर्ष मैंने कहवाक गले जो पेडियाट्रिक सेक्शन में आसुँच छुआ मैंने 1.5 वर्षर छुआ जेहेतु तो टीका से पर्यटन बाहर टीका चली मानते ट्राएल बेसीस चली तेनाली टीका कथ तो परवर्त कथा बट इम्यूनिटी सिस्टम से केमती बूस्ट हम छोट छुआ खास कर भल वेरी एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। ये जो तृतीय लहर आसूची एवं आम चारिआडे प्रचार होची एटा छुआ मानकू विशेष भाव में एफेक्ट करिवो ता माने नुहे जे छुआ मानकू एडल्ट वयस्क लोक मानकू जो मात्रा रे एफेक्ट करूची छुआ मानकू किछि गोटे अलगा वे रे एफेक्ट करिवो। जेमिति एडल्ट्स मानकर माइल्ड मॉडरेट डिजीज मैक्सिमम 80-90% लोकंग होची एवं 10-15% लोकंकू सीवियर डिजीज होची सेमते भी छोटो पिलांक क्षेत्र रे हबो हे पारे जोटार आशंका किंतु छोटो पिलां क्षेत्र में 5 वर्ष रु तल छोटो पिलां मास्क पिंधिबा किसी दरकार नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियम अनुसार वर्तमान आमे 5 वर्ष रु कम बयस पिलां मास्क पिन्हिया को मना करछे। रहिला कोन खाइबे पीबे इम्यूनिटी केमती बढ़ेबे तांको छोटो पिलां देखंतु 1.5 वर्ष रो पिला ता एज एप्रोप्रिएट जहा जहा टीकाकरण नबा कथा ही शुड कंटिन्यू। कोविड अच्छी कोरोना अच्छी बिले नॉर्मल टीकाकरण कौन सी मात्रा रे बंद हबनी अर्थात छुआंकर जो वैक्सीन थाए से वैक्सीन से माने प्रॉपर्ली नहीं परिबे ता भीतर मध्ये फ्लू वैक्सीन भी रही छी एकदम नहीं कोरोना वैक्सीन कथा इथि उठुनी एथरे उठुचे जहा तांगर नॉर्मल वैक्सीनेशन शेड्यूल से माने नेबे। रहिला स्तन्यपान वर्षर छुआ कि वर्षर कम पिला तुरंत मां कोरोना पॉजिटिव गवर्नमेंट नियम अनुसार वर्तमान माँ छुआ को माँ ठू दूर करवा कथा नुहे कारण माँ रो जो क्षीर स्तन्यपान से जो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज अच्छी सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट से छुआर इम्यूनिटी बढ़ाया तेणुकर ब्रेस्ट फिडिंग शुड नॉट बी कैंसल्ड। ब्रेस्ट फिडिंग टाइम रे माँ को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करिया पड़िबो से मास्क पिंधिबे हाथ को सैनिटाइजेशन करिबे सफासफी करिबे छुआ को देते दूर पात्रा पारिवे अवॉइड करिवे डिस्टेंसिंग रे ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग किंतु ब्रेस्ट फीडिंग हैज टू बी कंटिन्यू। जोटा बहुत इंपोर्टेंट एवं रहिला पिलांकर छोटो पिलांकर हाइड्रेशन सेमानकर बहुत इंपोर्टेंट हुए छोटो पिलां क्षेत्र रे धरंतु भी माइल्ड किछि इन्फेक्शन होउची जोटा कोविड हेई पारे न हेई पारे से सब क्षेत्र रे समान जल्दी डिहाइड्रेटेड हे जानती एवं सेति पय तांको प्रॉपर हाइड्रेशन दरकार कि पानी पीवा कथा सेटा ताटु से एवं हमर रहिला कांजी पानी हमर रहिला नडिया पौड पानी ओआरएस मध्ये भी दे परिबे डॉक्टर पटनायक ओआरएस जति छोटो छुआ को पय जोटा इलेक्ट्रोल वाटर हमें से दे परिबा कि एकदम एकदम ओआरएस जोटा रेडीमेड ओआरएस दे परिबा नले हमें लेंबू लुणा पानी जेमते घरे बने कि ओआरएस दोचु सेटा दे परिबा तनो तंगर हाइड्रेशन मेंटेन करबा बहुत दरकार एवं रहिला खाइबा पीवा जेमती एडल्ट्स मानकर साधारणत हमें वेजिटेरियन फूड रे प्रेफर करूछु ए कोविड टाइम रे तनो सेही टाइप रो न्यूट्रिशियस खाइबा खांतु से माने नॉर्मल रहंतु एवं तंगर मेंटल वेलबींग पय 1.5 वर्ष 2 वर्ष छुआ को आमे मास्क पिंदुनांती बोले जबरदस्ती तं घर भीतर रखबा अनुचित एवं तंकर जति कि स्क्रीन टाइम टीवी देखुचंती खेलुचंती खेल रे से माने को इन्वॉल्व करिया बेसी दरकार जहा सो विभिन्न टाइप रो जदी आउटिके बड़ पिला हेले से माने को एटा बेस्ट उपाय पेरेंट्स माने को एवं छोटो पिला को गोटे हॉबी निजरो डेवलप करिया गोटे एंगेज रखिबा निजरो हैबिट को गोटे अलगा हैबिट भलो भलो हैबिट को क्रिएट करिबा जादर के पिला माने साथे एंगेज रहि परिबे डॉक्टर पटनायक आलोचना करियो कि हम साथे जने रहिछन लर आ जने निर्मल रहिछन निमापडारू निर्मल बाबू कोंतु कोन कहबे कोन जानिया पे चाहुछते आपण कोरोना संपर्क रे सर हेलो कोंतु निर्मल बाबू सुनि परछु कोंतु गुड आफ्टरनून सर 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 मो माने प्रथम रु माने अक्टोबर 22 तारिख रु सर मो पॉजिटिव हेतली काहे कि न मो प्रथम मास्टर ड्यूटी करथली माने ए कोरोना ड्यूटी इन्वॉल्व थली होची निमापडा रे तनो करी पॉजिटिव लास्ट को माने पॉजिटिव भेली तापर भलो हे गेला मोर 6-7 दिन पर भलो हो गला सर तापरे वो फर्स्ट डोज रो टीका नहीं छी सर वैक्सीनेशन मोर फर्स्ट डोज नहीं छी सेकंड डोज सर मोर डिजर्व करू छी जुलाई 8 तारिख रे सर सर मोर बड़ा प्रश्न हला सर माने जो फर्स्ट डोज माने जो हमें नहीं छी वैक्सीन नहीं छी सर सेकंड डोज वैक्सीन के तरह पर कोन डिफरेंस अछि कि सर कंपोजिशन अर्थात अपना फर्स्ट डोज वैक्सीन जहा नै छथि सेकंड डोज वैक्सीन जो नेबे तार कंपोजिशन रे डिफरेंस अछि कि नै आपण जानिया पय चाहौ छथि आगे मैम डॉक्टर पटनायक सेटा जानिया चाहौ छथि हमर कंपोजिशन किछि डिफरेंट हुए किंतु बहुत इंपोर्टेंट आपण जो कंपनी रो जो मेक रो जो ब्रांड रो प्रथम डोज टीका नै छथि आपण से कंपनी जदी रिकमेंड करूची कि हमर सेकंड डोज दरकार ता माने प्रथम डोज रे जो प्रकार टीकाकरण होउची वैक्सीन विभिन्न प्रकार थाए एवं वैक्सीनेशन करके हमरो एंटीबॉडी बॉडी रो इम्यूनिटी बढ़ेबा को डिफरेंट मेकानिजम्स थाए तो प्रत्येक कंपनी जो वैक्सीन तयारी करची सेमानकर गोटे पर्टिकुलर साइंटिफिक वे रे सेमाने टीका टिकु बनै थांती तनो सेमाने जदी रेकमेंड करंती कि हमरो टीका को आपण दुई थरे नबा दरकार एवं आपण एटाकू एतिकी सब दिन भीतर कि एतिकी सप्ताह भीतर नबा दरकार सेठी को हमें फॉलो करबा उचित तेणुक आपड़ मिक्स एंड मैच करेंगे धरतु आप गोटे कोवैक्सीन नहीं अन्य गोटे कंपनी कोविशील्ड नहीं गले दैट इज नॉट एडवाइजेबल से गुड़ा सब स्टिल रिसर्च स्टेज रे अच्छी हमें बर्तमान रिसर्च स्टेज रे दीटा प्रकार भी दिया होची गोटे टाइप रे किंतु से गुड़ी को हमें जनरल यूज पाई नुहे तेणु एतिक जिनस मन रखु जो कंपनी नौचंती फर्स्ट डोज सेकेंड डोज भितर जो जिनस या आपण बॉडी रे दिया होची से कौन से चेंज ना किंतु कंपनी हैज टू बी सेम जो कंपनी रो नै चंती कि जो मेकर नै चंती सेही मेकर ही आपण सेकंड डोज सी नेबे डॉक्टर पटनायक बहुत समय में बर्तन देखिया को मिलची जेमति आपण कहिले कि जोटा फर्स्ट डोज आपण जदी कोवैक्सीन नै चंती सेकंड भी कोवैक्सीन नबा को पड़िबो फर्स्ट डोज जदी आपण कोविशील्ड नै चंती तले सेकंड डोज भी कोविशील्ड नबा को पड़िबो किंतु डॉक्टर पटनायक जदी आपण देखिए बहुत जगह रे एबे भी रहिची लोकनकर अभियोग रहिची कि सेमन जतले फर्स्ट डोज नौ चंती मिनिमम हमें 40 डेज भीतर सेकंड डोज नबा कथा किंतु 40 डेज भीतर सेमन को अवेलेबल होउनी बहुत लोकनकर 84 डेज मते हे गरानी तो सेही क्षेत्र रे फर्स्ट डोज रो वैलिड माने वैलिडिटी रहिला ना इनवैलिड से थाई गला नहीं नहीं तार वैलिडिटी रोहुची एवं आमे ताकु जत्ते जल्दी सेकंड डोज नबा एवं सेकंड डोज नेला परे तार 2 to 3 वीक्स परे आमे जदी हमर मन रे डाउट रोउची कि हमर बॉडी रो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स केते मात्रा रे डेवलप कला ताले आमे जांगी तार टेस्टिंग करे परिवा कि हमर बॉडी रो वर्तमान ड्यूटी डोज टीका नेला परे हमर जति के अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी तयारी हिची शरीर भितरे सेटा इनफ गोटे नेक्स्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करबा को कि नहीं किंतु वर्तमान जो क्षेत्र समस्या वर्तमान जो अवस्था रे अछि जमती आमर डेफिनेटली वैक्सीन्स रो किछिटा जति मात्रा दरकार आमर सेटार अभाव अछि। तेणु वर्तमान थर्ड वेव स्प्रेड करबा को वर्तमान आमर मोस्ट इंपोर्टेंट एला एटलिस्ट गोटे थोर वैक्सीन मैक्सिमम लोक पाई जिबा है। वैक्सीन लोक माने जे कोन से प्रथम डोज हो ना काहे कि वैक्सीन नबा खूब जरूरी जोत में सरकार मते तापर बेस गुरुत्व देउछन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पटनायक। हम से आलोचना करथले डॉक्टर स्मरजीत पटनायक एवं से बारंबार कहचंती कि टीका प्रथम डोज नबा बेस जरूरी सरकार मते जति प्रक्रिया आरंभ करचंती। तेनु आपन को आपन अंचल रे जेबे भी टीका मिलुची आपन प्रथम डोज टीका मिनिमम नै जिवार कथा। ता सहित आपन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को निश्चित भाव रे अवलंबन करबा को पड़िबो जति हमें कोरोना मात देवा चाहिए। समय देछि कोरोना परामर्श किट रखिबा। नमस्कार।